नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की। वॉइस कॉमन मैन में आपका स्वागत है। आज कमांडीपुरे की छठी गली मौजूद है, यहाँ पे हम मौजूद है। आज हमारे साउथ मुंबई के मोहम्मद अली के आमीन पटेल साहब का जन्मदिन है। हम इनको सबसे पहले इनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और जन्मदिन इनको मुबारक हो। सर, आज ब्लड डोनेट रखा गया था यहाँ पर, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमारे नगर सेवक जावी जुनेजा जी और उनके सभी इस मुंबा देवी के जो इनके साथी हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखा था जी। मुझको बेहद खुशी है, मैं ब्लड डोनेशन कैंप में आया, देखा तो जावी जुनेजा साहब खुद ने ब्लड दिया, उनकी बेटी ने ब्लड दी। हमारे यहाँ एक शंकर माइकल साहब है, 63 सीनियर सिटीजन है, उन्होंने ब्लड दिया। यंग हमारे जुनेद कुरैशी साहब है, उन्होंने ब्लड दिया। जनार्दन यादव है, तमाम लोग ने यहाँ पर आके ब्लड दिया है। यहाँ पर ये ब्लड किसी की जिंदगी के लिए काम आएगा, जिंदगी में उसको इलाज के लिए काम आएगा। ये सबसे रक्तदान है जो बहुत बड़ा काम आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को जरूरत पड़ती ब्लड की, तो ये ऐसा सेवाभावी काम आज मेरे जन्मदिन के मौके पर जावी जुनेजा साहब और उनकी टीम ने किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और हर वो व्यक्ति, हमारी हर भाई बहन जिन्होंने यहाँ पे ब्लड दिया है, उनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका एक बॉटल ब्लड किसी की जिंदगी बचाने के लिए बहुत काम आएगा। देखा गया काफी टाइम पे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंटों में लोगों को ब्लड की बहुत जरूरत पड़ती है, क्या कहेंगे? उसी को सोच के जावेद जुनेजा साहब ने और उनके साथियों ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। हमारा जो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है, उसमें अक्सर ब्लड की जरूरत होती है, अक्सर उनकी रिक्वेस्ट होती है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप रखिए, लोगों को ब्लड की हमको थोड़ी सी तंगी है, तो इस तंगी को दूर करने के लिए ब्लड सफिशेंट ब्लड बैंक में रहे, उसके लिए कैंप रखा गया और सैकड़ों लोग यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, मुझको बेहद खुशी है। कल भी आपका एक ब्लड डोनेट कैंप रखा गया है? कल जो हमने एक महा हेल्थ कैंप रखा है। अच्छा, ये हेल्थ कैंप के अंदर मुंबई के बेहतरीन डॉक्टर आने वाले हैं, लोगों का मुफ्त में इलाज करेंगे, जिसको दवाई चाहिए उसको दवाई दी जाएगी, जिसकी कोई लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उनकी कोई हिस्ट्री है, तो उनका फ्री में 10-15 हज़ार रुपए तक का भी टेस्ट जो होगा वो वहाँ पर फ्री में हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों के लिए डॉक्टर आ रहे हैं, हमारी बहन जो है उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, जिसको स्किन की कोई बीमारी रहेगी तो उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट लोग आ रहे हैं, जनरल फिजिशियन आ रहे हैं, दांत के डॉक्टर आ रहे हैं, कान और नाक के डॉक्टर आए, तो हर तरह के डॉक्टर कल वहाँ पे मौजूद रहेंगे। केसर बाग के अंदर ये महा हेल्थ कैंप हमने उसको रखा है और मुझको यकीन है कि हजारों लोग इस इलाके के वहाँ पे आके फैजियाब होंगे, उसका फायदा उठाएंगे। आपके माध्यम से मेरी गुजारिश भी है लोगों से कि कल केसर बाग में सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक का ये जो महा हेल्थ कैंप हमने रखा है, उसका फायदा उठाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तमाम जो बीमारियां है उसका इलाज होगा, उसकी दवाई होगी, उसकी टेस्टिंग होगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑल सब वेलकम है, वो आए वहां पर फायदा ले। मेरा एक सवाल है सर, बहुत से लोगों को मेडिसिन की बहुत सख्त जरूरत होती है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उसके लिए हमारे इलाके में बहुत सारे ट्रस्ट है, खिदमत ट्रस्ट है जी, खैर उम्मत ट्रस्ट है, बहुत सारे ट्रस्ट है, ये काम करते हैं। इस मौके पर मैं उन सभी एनजीओ को, उन सभी ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूँ जो अगर हॉस्पिटल में कहीं दवाई नहीं मिलती, जेजे में, नायर में, साइन में, केएम में, वो लोग दवाई देते हैं, उनका इलाज कराते हैं। खिदमत ट्रस्ट जैसा एक बहुत बड़ा अदारा हमारे एरिया में काम करता है, करोड़ों रुपए की दवाई वहाँ से दी जाती है, कैंसर की दवाई दी जाती है, ये सब लोग बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एक कॉर्पोरेटर जावेद जुनेजा साहब मौजूद है। आज यहाँ पे हमारे आमीन पटेल साहब आए थे जिनका जन्मदिन था आज, उसी के मौके पर आज ये सब पूरा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया था और आप देख सकते हैं काफी भीड़ में लोग यहाँ आए और उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? देखिए, जैसे ही आपने कहा कि आज के दिन में आमीन पटेल साहब का बर्थडे है और आप सभी जानते हैं कि आमीन पटेल साहब हमेशा लोगों की सेवा के अंदर उपस्थित रहते हैं और एक ये ब्लड डोनेशन एक ऐसा है जो रक्तदान है कि ये कहीं भी आर्टिफिशियल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हम डोनेट करते हैं तो ही किसी को काम आएगा, तो हमारे नेता के लिए जो हमेशा लोगों की सेवा करते हैं, ये रक्तदान का प्रोग्राम करना इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता था। इसलिए हमारी पूरी टीम ने सोचा कि आज आमदार साहब के बर्थडे के दिन हम खुद अपना रक्त देंगे, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आज यहाँ सैकड़ों लोगों ने अपना रक्त दिया, मैंने, मेरी टीम ने, मेरी बेटी ने, सबने अपना रक्त दिया कि ये जो आज हम ब्लड दे रहे हैं कल किसी को जरूरत पड़ेगी, हमको भी जरूरत पड़ सकती है तो ये काम आएगा। तो आमदार साहब की बर्थडे के अंदर हमारा एक आमदार साहब के लिए छोटा सा तोहफा था। इसके आने वाले टाइम में भी आप रखेंगे ऐसे ही कैंप? देखिए, हम जब भी जो आमदार साहब की पहले भी बर्थडे हुई थी उसमें भी हमने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा था, हेल्थ कैंप रखा था,
आमदार साहब की बर्थडे या कुछ भी ऐसे हमारे नेताओं का जन्मदिन होता है तो हम इसी तरीके के कार्यक्रम करते हैं जिससे डायरेक्ट लोगों को फायदा हो सके। इस तरीके का रिस्पॉन्स था आज के ब्लड डोनेट? आज यहाँ पर सभी लोगों ने ब्लड दिया, अभी भी लोग आ ही रहे, खुद अपनी मर्जी से आ रहे, जो अमीन पटेल साहब को जानने वाले, अमीन पटेल साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आके यहाँ पर अपना ब्लड दे रहे और उनके बर्थडे के अंदर उनको तोहफा दे रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स और, सर क्या नाम है आपका? प्रेसिडेंट अखिलेश पांडे। हाँ पांडे जी, क्या कहेंगे आज के इस ब्लड डोनेट कैंप के बारे में? ऐसा ये रक्तदान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है जी। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट होता है और बड़ा ऑपरेशन होता है, अक्सर देखा गया है कि ब्लड की खून की कमी पाई जाती है। हमारे यहाँ सबसे करीब जेजे हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जेजे हॉस्पिटल की टीम आई ब्लड डोनेशन के लिए जी। कुछ दिनों पहले हमारे अब्दुल अजीज एमएलए अमीन पटेल साहब और हमारे नगर सेवक जावेद जुनेजा जी कुछ मामले में जेजे हॉस्पिटल में गए थे वहाँ मिलने के लिए टीम से, तो उन्होंने ऐसा बताया कि रक्त की खून की काफी कमी है, कमी तो उसी को देखते हुए और आमदार साहब का जन्मदिन भी था तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलता था हमें, तो आमदार साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जमा किया जाए और जैसे अस्पताल की मदद की जाए जी। देखा गया काफी लोग कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है और उनको सब ब्लड नहीं मिलता है जी। ऐसे भी अगर कोई अगर आता है ब्लड की इसको जरूरत रहती है तो बीच बीच में भी हमारे कार्यकर्ता मदद करते रहते हैं। हमारे साथ एक शख्स और है, सर क्या कहेंगे आज आप? हमने हमेशा आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेगा इस कार्यक्रम में, क्या सर इसमें क्या है? जो हमारे जहाज साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एरिया के अंदर, जो फोन का प्रोग्राम किया बहुत ही लाजवाब काम किया उन्होंने जी। मैं तो यहाँ के नौजवान पीढ़ी के संबंध हर इंसान को कह जाता हूँ कि हर आदमी आगे आके अपने फोन डोनेट करे कि लोगों की सेवा अच्छा काम है, तो बुरा काम बहुत अच्छा काम है। जितना ज्यादा जाते हो कि आपका हर इंसान फोन देना चाहिए कम से कम जी जी। तो ये थे टीम के हमारे मेम्बरान जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे साथ एक शख्स और है, डॉक्टर साहब जो ब्लड डोनेट कैंप का एक हिस्सा है, ये भी हर कैंप में जाके इसी तरह का काम करते हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित सुनील जी। हाँ जे हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से है जी, जी। आज 13 जनवरी जी श्री अमीन पटेल साहब उनके बर्थडे के निमित्त ब्लड डोनेशन का काम आज हो रहा है और जे ब्लड बैंक को हमको बुलाया गया है ये कलेक्शन करने। क्या कहेंगे आज के कैंप में कैसा रिस्पॉन्स था, कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है, बहुत से लोग आ रहे हैं, अब तक काफी अच्छा कलेक्शन हुआ है, लगभग 50 से 100 तक का हमारा टारगेट है। अच्छा। और लोग बड़े उत्साह से आज ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं। देखा गया काफी लोगों को ब्लड की दिक्कत होती है, कभी कभी जे हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिलता है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली वैसा नहीं रहता है, ब्लड हमेशा कलेक्शन करना पड़ता है, उसका एक टाइम लिमिट रहता है एक्सपायरी का जी। और मोस्टली ब्लड कलेक्शन में आने के बाद अपन ब्लड अवेलेबल करते हैं, लेकिन जैसे दिवाली हो गया या समर का हो गया उसमें कम रहता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हमेशा वैसा नहीं रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे साथ वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस की मौजूद है यहाँ पे, हम इनसे जानना चाहेंगे आज जो ब्लड डोनेट का कैंप रखा गया था उस बारे में। क्या नाम है आपका? मैं मुंबा देवी असेंबली की महिला प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम लता कुम्मा है। आज हमारे मुंबा देवी एमएलए अमीन पटेल का बर्थडे है, उस संदर्भ में हमने ब्लड कैंप रखा है। यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने आके ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेट इसलिए करते हैं कि किसी का जीवन दान बचे। आज के तारीख में जेजे हो या नायर हो, बहुत ब्लड बहुत कम मिल रहा है हम लोग को, तो हमको जेजे से ऐसे इन्फॉर्मेशन आया था कि भाई ब्लड की बहुत कम है, तो हम लोग ने सोचा कि अगर बर्थडे के दिन एमएलए के बर्थडे के दिन अगर अपन ब्लड डोनेट करते तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं, इसीलिए हम लोग ने प्रोग्राम रखा। हमारे नगर सेवक जावेद ने जाके साथ में मिलकर एक प्रोग्राम किया, सुबह 9 बजे से यहाँ पे सैकड़ों लोगों की तादाद से लोग आके ब्लड डोनेट कर चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सेना प्रधान है, मैं यहाँ वार्ड की अध्यक्ष हूँ। और आज जैसे कि आप सबको पता है हमारे एमएलए अमीन पटेल सर का बर्थडे है, तो उस अवसर पर बर्थडे ना सेलिब्रेट करते हुए ये रक्तदान का ऑर्गेनाइज किया हमारे कॉर्पोरेटर जावेद जुनेजा भाई ने, जिसके लिए हमने सभी यहाँ पे काफी लोग सुबह से आ रहे हैं तो डोनेट कर रहे हैं, तो इसे एक हमको एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि किस तरह हमारे नेता
आगे बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं। तो ये एक मैसेज भी है लोगों के लिए और एक लोगों को एक लाइफ उनकी सेव करने के लिए उनका वो भी गिफ्ट है। आप लोगों में से किसने ब्लड डोनेट किया? जी मैंने किया है। आपने किया? बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी लोग देखा गया है कि ब्लड डोनेट देने से डरते हैं, क्यों? ब्लड उनको ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में पहले ब्लड है या नहीं है और उसमें भी हम दे देंगे फिर कितने टाइम में हमारा ब्लड वापस होगा, क्योंकि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर हम लोग ब्लड देते हैं तो उसके बाद में हमारा वो नया ब्लड अगेन वो सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन वो कैसा लोगों में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से सब होता है। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम लोग वो भी कोशिश करेंगे तो लोगों को वो भी बताएं जिसकी वजह से और ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाए। आगे और कब रखने का इरादा है? इंशाल्लाह भी एवरी ईयर तो हम लोग आमीन भाई की बर्थडे के दिन रखते ही है और अभी जैसा अभी अगर कभी जरूरत पड़ती है अगर जैसे जावेद भाई के पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग फिर इंशाल्लाह अगेन ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। वॉइस कॉमन मैन के साथ मकसूद शेख। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी।